हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजिशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी। स्कल के इसमें अपन ने बहुत सारे व्यूज पढ़े हैं। आज अपने पढ़ेंगे पैरानेजल साइनस के बारे में, यानी पैरानेजल साइनस के लिए व्यू करेंगे। अपने स्कल में कौन कौन से साइनस होते हैं? मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस और स्फेनोइड साइनस। ये सारे क्या अपने नेजल कैविटी के आसपास होते हैं। उसके अपने पहले स्टडी कर एनाटॉमी पढ़ते हैं और फिर उसके व्यू पढ़ेंगे। एनाटॉमी की बात करें तो द PNS पैरानेजल साइनस कंसिस्ट ऑफ मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथमोइडल एंड स्फेनोइड साइनस। पीएनएस साइनस में यानी पेयर नेजल साइनस में कौन कौन से साइनस होते हैं? नेजल मतलब नेजल कैविटी के आसपास होते हैं, ये सारे नेजल कैविटी में होते हैं। यानी पीएनएस साइनस किस किस से मिल के बना होता है? इसमें कंसिस्ट होते हैं मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस और स्फेनोइड साइनस। दे ऑल कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी। ये सारे क्या है? नेजल कैविटी में होते हैं। एंड आर ऑल लाइंड विद कल्मुनर कॉल्ड म्यूकोजा कंटिन्यूस विद दैट ऑफ द नेजल कैविटी। ये सारे क्या होते हैं? एक लाइन में होते हैं, यानी कॉलम में रहते हैं। और ये सारे नेजल कैविटी में अपने एक लाइंस में यानी कॉलम में रहते हैं। जैसे कि आगे आपको डायग्राम में दिखाया गया, देखो ये अपने क्या है, ऊपरी ऊपर फ्रंटल साइनस हो गया, फिर इथमोइड साइनस हो गया, फिर मैक्सिलरी साइनस हो गया। ये आपको तीनों साइनस दिखाए गए, देखो पूरा ये क्या है, नेजल कैविटी में आते हैं, फिर ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे, यानी तीनों क्या है, लाइन से बने हुए हैं। इस डायग्राम में देखो आपको क्या है, पैरा नेजल साइनस दिखाए गए हैं चारों। तो सबसे पहले अपना फ्रंटल साइनस ये वाला, फिर आता है इथमोइड साइनस, फिर आता है स्फेनोइड साइनस, और फिर जो इनके पीछे रह जाता है यानी ये बीच में, ये कौन सा अपना, सॉरी बीच वाला कौन सा अपना, स्फेनोइड साइनस, और ये जो नीचे मैक्सिला बोन पे, ये मैक्सिलरी साइनस। लेटरल इमेज में दिखाया गया है ये इसका फ्रंटल साइनस हो गया, फिर इथमोइड साइनस हो गया, फिर स्फेनोइड साइनस हो गया जो ऑर्बिट के पीछे होता है, और ऑर्बिट के नीचे अपना कौन सा होता है, मैक्सिलरी साइनस। आगे अपने इसके व्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना व्यू है ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू, यानी ऑक्सीपिटल से अपना मेंटी। मेंटी कहाँ होता है? सिंफाइसिस मेंटी यानी मैंडिबल बोन की तरफ एक्सरेस आएगी, ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू। कौन सा व्यू हो गया? पीए व्यू। ये दूसरा नाम इसका क्या है, पैरानेजल साइनस के लिए वाटर्स व्यू, यानी पीए व्यू वाटर्स व्यू पोजीशन में होगा। वाटर्स व्यू कौन सी होती है? ओपन माउथ पोजीशन। सेकंड है अपना लेटरल व्यू। थर्ड आएगा लेटरल राइट एंड लेफ्ट ओब्लिक व्यू फॉर इथमोइड साइनस। ये किस लिए होता है? इथमोइड साइनस को देखने के लिए। इथमोइड साइनस के लिए अपना होगा ओब्लिक व्यू। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट व्यू, ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू। इसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर्स व्यू। यानी अपने एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि वाट पैरानेजल साइनस के लिए वाटर्स व्यू बताओ, तो अपने कौन सा बताएंगे, ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू यानी कि पीए व्यू। सबसे पहले आती है इसकी इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होगी? टू डेमोस्ट्रेट पैथोलॉजी कंडीशन, यानी साइनस है तो इसमें कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन हो सकती है, उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। कैसेट साइज, कैसेट साइज अपना क्या रहेगा, 8 10 और 10 12 का। पोजीशन ऑफ पेशेंट, उसके बाद अपने बात करेंगे कि पेशेंट की पोजीशन क्या होगी। पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल,
पेशेंट क्या है, टेबल पे प्रोन लेटेगा, क्योंकि अपना व्यू कौन सा है, पीए व्यू। पेशेंट चिन एंड टिप ऑफ नोज कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। पेशेंट का चिन और टिप ऑफ नोज, जो नोज का टिप है वो कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। जो नॉर्मल पीए व्यू होता है उसमें अपने कैसे रहता है, पूरी फ्रंटल बोन नोज ये टच में रहते हैं, पर इसमें अपने क्या करेंगे, चिक और नोज टच में रखेंगे। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या है, टेबल से परपेंडिकुलर रहेगा। ओ एम लाइन यानी ऑर्बिटोमिटल लाइन इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द फिल्म। जो अपनी ऑर्बिटोमीटर लाइन है वो क्या है, फिल्म से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी अपनी ऑर्बिटोमीटर लाइन कैसी होती है, ऐसी बिल्कुल सीधी। 45 डिग्री का मतलब थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, आगे डायग्राम में दिखाएंगे। तो अपने क्या हो गया, पेशेंट प्रोन में लेट गया और पेशेंट की टिप और चिन क्या है, टिप ऑफ नोज और चिन कैसेट के कॉन्टेक्ट में आ गए। मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर हो गया। फिर अपने क्या करेंगे, ओम लाइन को 45 डिग्री पे रखेंगे। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की जो ईयर पिना है वो टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। द पेशेंट शुड ओपन द माउथ एज मच एज पॉसिबल बिफोर द एक्सपोजर। अब अपने पेशेंट को बोलेंगे कि एक्सपोजर होने से पहले अपने माउथ को क्या करेगा, ओपन करेगा। उसके बाद बात आती है अपनी पोजीशन ऑफ कैसेट की, कैसेट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। तो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबाउट टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल, जो कि स्कल के नॉर्मल व्यू में रहती है, स्कल के वर्टेक्स पार्ट से 1 इंच ऊपर। ये देखो डायग्राम में दिखाया गया, इसका मिडिल सजाइटल प्लेन क्या टेप कैसेट से परपेंडिकुलर है और इसकी ओ एम लाइन ऑर्बिट से मीटर्स तक आने वाली लाइन ये क्या एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे है। नॉर्मल में अपने क्या होता है, ओम लाइन इस प्रकार से रहती है, ऑर्बिट अपना यहाँ रहता है। इसमें अपन ने क्या किया, पेशेंट के चिन को अप कर दिया, तो अपने ओम लाइन का एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेंटरिंग की, सेंटरिंग क्या करेंगे। सेंट्रल रे ओवर द 1 इंच अबव टू द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ रहेगी अपनी, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस से 1 इंच ऊपर। जो अपना एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस होता है उससे 1 इंच ऊपर अपने सेंटरिंग करेंगे। देखो यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है, पेशेंट का ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस कहाँ है, यहाँ, इससे 1 इंच ऊपर अपने यहाँ सेंटरिंग करेंगे डायरेक्ट कैसेट पे एट राइट एंगल टू द फिल्म, यानी कोई भी एंगल नहीं देंगे। इसके बाद अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपेरियंस की, यानी अपने को रेडियोलॉजिकल अपेरियंस क्या दिखाई देगा। द फ्रंटल साइनस आर सीन ऑलमोस्ट इंटेरली फ्री फ्रॉम द सराउंडिंग बोन। जो अपना फ्रंटल साइनस है वो अपने को क्लियरली सीन होता है, यानी सभी तरह से अपने को फ्री सीन होता है, उसके आसपास कोई भी अपने कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फ्रॉम द सराउंडिंग बोन, उसके आसपास यानी बोन्स अपने को दिखाई देती है। इंटेयरली फ्री यानी बिल्कुल फ्री, उसके आसपास कुछ भी ना हो, और उसके आसपास क्या है, अपनी बोन्स गिरी हुई है बस, उसके बीच में अपना अच्छी तरह क्लियर जो फ्रंटल साइनस है वो सीन हो जाएगा। बोथ मैक्सिला आर क्लियरली सीन विद पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन शोन बिलो द शेडोज ऑफ ऑर्बिट। जो मैक्सिलरी साइनस है वो भी अपने को क्लियरली सीन होता है, जिसमें क्या, किसके साथ, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ में अपने को मैक्सिला
साइनस सीन होगा, और ये कहाँ पे सीन होता है, जो अपनी शेडो ऑफ ऑर्बिट है उसके नीचे, यानी जो ऑर्बिट्स की शेडो उसके नीचे अपने को पेक्टोरस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ मैक्सिला सीन होता है। अब इसके बात करते हैं अपने एक्सपोजर की, एक्सपोजर क्या रहेगा। तो एक्सपोजर है अपना डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 70 to 80, अमेस की बात करें तो अमेस रहेगा अपना 70, और ग्रिड का यूज अपने करेंगे। देखो इसमें आपको दिखा रखा है, ये अपना फ्रंटल साइनस दिखाई दे रहा है, एंटीरियरली फ्री, यानी इसके आसपास अपने को खुली चीज दिखाई दे रही है, जिसमें क्या अपने को फ्रंटल साइनस एंटायरली फ्री यानी पूरी तरह से फ्री दिखाई देता है। देखो यहाँ अपने को दिखाई दे रहा है, और इसके आसपास क्या है, सराउंडिंग बोन्स होती है। फिर अपना क्या है, इथमोइड साइनस दिखाई दे रहा है, और जो मैक्सिलरी साइनस है ये वाला, ये क्या अपने को ऑर्बिट्स के बिल्कुल नीचे, और ये जो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ये कौन से हैं, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। इसके साथ में ये मैक्सिलरी साइनस भी अपने को ऑर्बिट की शेडो के नीचे क्लियरली सीन होता है, और इसमें देखो अपना नेजल सेप्टम दिखाई दे गया, ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, जाइगोमेटिक बोन दिखाई दे रही है, जाइगोमेटिक आर्च, मैंडिबल बोन, ये सारे भी अपने को दिखाई देते हैं। तो ये हो गया अपना ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू यानी पीए वाटर्स व्यू। इसके बाद में अपने नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपना व्यू आता है लेटरल व्यू। सबसे पहले अपने बात करें लेटरल व्यू के इंडिकेशन की, तो इंडिकेशन इसका यही रहेगा, टू डेमोस्ट्रेट एंड पैथोलॉजी कंडीशन, पैथोलॉजी कंडीशन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। कैसेट साइज, जो कि स्कल के सभी व्यू में नॉर्मल एक ही रह रहा है, अपना कैसेट साइज रहेगा 8 × 10 और 10 × 12 का। पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन की बात करते हैं, तो लेटरल व्यू में अपने पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, कि पेशेंट अपने टेबल पे प्रोन लेटता है, फिर हेड को एक साइड रोटेट करता है, दो साइड अफेक्टेड है वो कोशेट के टच में रहती है, फिर उसका मिडल साइटल प्लेन पैरेलल ऑर्बिटोमेटल लाइन, पैरेलल इंट्रा ऑर्बिटल लाइन, परपेंडिकुलर, ये सब रहती है। उसके बाद अपने क्या करते हैं, पेशेंट पे सेंटरिंग करके एक्सपोज करते हैं। तो अपने पेशेंट के पोजीशन की बात करते हैं, पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल, पेशेंट टेबल पे प्रोन लेटेगा, हेड इज रोटेट टू आइदर साइड सो अफेक्टेड साइड कॉन्टेक्ट विद द कैसेट, हेड को अपने रोटेट करेंगे लेफ्ट या राइट साइड में, ताकि अपनी जो अफेक्टेड साइड है वो क्या है, कैसेट के टच में आ जाए। पेशेंट मिडल साइटल प्लेन इज पैरेलल टू द टेबल, पेशेंट का मिडल साइटल प्लेन टेबल से पैरेलल रहता है। इंट्रा ऑर्बिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल, पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल के परपेंडिकुलर रहेगी। पेशेंट ऑर्बिटोमीटर लाइन इज पैरेलल टू द टेबल, जो पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन है वो क्या है, टेबल से पैरेलल रहती है, यानी अपना मिडल साइटल प्लेन टेबल के पैरेलल हो गया, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल के परपेंडिकुलर हो गई, और ऑर्बिटोमीटर लाइन टेबल से पैरेलल हो गई। इसके बाद अपने बात करते हैं पोजिशन ऑफ कैसेट की, कैसेट की पोजिशन क्या रहेगी। तो स्कल के व्यू में अपने कैसेट की पोजिशन क्या रहती है, कैसेट की अपर बॉर्डर स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर रहती है। वही इसमें देखो, कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबाउट टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल, कैसेट की जो अपर बॉर्डर है वो स्कल के वर्टेक्स पार्ट से 1 इंच ऊपर रहेगी। इसके बाद बात करें अपने सेंटरिंग की, सेंट्रल रे ओवर द 1 इंच बिहाइंड द आउटर कैंथस ऑफ आई अवे फ्रॉम द फिल्म एट राइट एंगल टू द फिल्म। अपने सेंटरिंग कहाँ करेंगे, 1 इंच बिहाइंड यानी 1 इंच पीछे, किससे, आउटर कैंथस ऑफ आई, जो अपना आई का आउटर कैंथस है, यानी जो अपने का ये आई का जो गोला दिखाई दे रहा है, ये बाहरी पार्ट में जो दिखाई दे रहा है,
एक लेटरल पार्ट हो गया, एक आउटर पार्ट हो गया। आउटर पार्ट का जो कैंथ, सॉरी, आउटर पार्ट हो गया और मिडल पार्ट हो गया। तो आउटर पार्ट का जो कैंथस अपने को दिखाई दे रहा है बाहरी, इस कैंथस से 1 इंच पीछे की ओर, वो भी कौन से कैंथस से, जो फिल्म से दूर है, अवे फ्रॉम द फिल्म, यानी जो फिल्म से दूर है, एक्सिट ट्यूब की तरफ है, उस आउटर कैंथस से 1 इंच पीछे की तरफ अपने सेंटरिंग करते हैं। ये देखो इसमें दिखा रखा है सेंटरिंग कहाँ की है, ये जो अपना आउटर कैंथस है इससे 1 इंच पीछे इस पार्ट में अपन ने सेंटरिंग की है, और ये पेशेंट की लेटरल पोजिशन लगी हुई है, जिसमें पेशेंट का मिडल सेंट्रल प्लेन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन परपेंडिकुलर हो रही है, और ऑर्बिटोमीटर लाइन पैरेलल रहती है इसका। देखो इस प्रकार से अपने को व्यू दिखाई देता है, जिसमें फ्रंटल, इथमोइड, मैक्सिलरी साइनस, ये अपने क्लियरली सीन हो जाएंगे। इसके बाद अपने बात करेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा। तो फ्रंटल साइनस आर सीन अबव द शेडो ऑफ ऑर्बिट, जो फ्रंटल साइनस है वो ऑर्बिट की शेडो के ऊपर अपने क्लियरली सीन होता है, सुपर इम्पोज टू ईच अदर, यानी फ्रंटल साइनस अपने दोनों तरफ होते हैं तो एक दूसरे को सुपरइम्पोज्ड कर लेंगे। स्फेनोइड साइनस सीन बिलो द एंटीरियर टू द पिट्यूटरी फोसा एंड सुपरइम्पोज्ड टू ईच अदर। स्फेनोइड साइनस भी क्या, दोनों तरफ होते हैं तो वो एक दूसरे को सुपरइम्पोज करेंगे, और वो अपने कान दिखाई देते हैं पिट्यूटरी फोसा के आगे के पार्ट के नीचे, यानी पिट्यूटरी फोसा जो वहां पे होता है उसके जस्ट आगे नीचे की तरफ अपने को स्पेनोइड साइनस सीन होता है। उसके बाद है इथमोइड साइनस आर सीन बिहाइंड द ऑर्बिट्स सुपरइम्पोज्ड ऑन ईच अदर, जो अपना इथमोइड साइनस है वो भी, इथमोइड साइनस भी अपने दोनों तरफ है तो एक दूसरे को सुपरइम्पोज करेंगे, और कौन सी लोकेशन में अपने को दिखाई देते हैं, ऑर्बिट्स के जस्ट पीछे। तो एक बार एक्सपोजर की बात करते हैं, उसके बाद आपको क्या एक फिल्म दिखाएंगे। एक्सपोजर क्या है, डिस्टेंस अपने रखेंगे 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रखेंगे वही 70 to 80, एमएएस 70 रखेंगे, और ग्रिड का यूज करेंगे। देखो इसमें अपने को दिखा रखा है फ्रंटल साइनस, फ्रंटल बोन के बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सुपरइम्पोज कर रहे हैं। फिर आता है अपना इथमोइड साइनस, जो कि ऑर्बिट्स के जस्ट पीछे अपने को दिखाई दे रहा है, और ये भी क्या है, एक दूसरे को सुपरइम्पोज्ड कर रहे हैं। मैक्सिलरी साइनस, ये ऑर्बिट के नीचे के पार्ट में, या जो अपना पेक्टोरस पोर्शन है उसके आगे के पार्ट में अपने को सीन हो रहा है, ये भी एक दूसरे को सुपरइम्पोज्ड करते हैं, यानी तीनों साइनस क्या एक दूसरे को सुपरइम्पोज्ड कर रहे हैं, और इनकी लोकेशन बताई गई है अपने को दिखाई दे रहे हैं। अदर की बात करें तो अपने क्या इसमें मैक्सिला बोन, मैंडिबल बोन, नेजल बोन हल्की सी दिखाई दे रही है, इन सब का भी अपने बता सकते हैं, बट अपने क्या है साइनस का व्यू ले रहे हैं तो ज़्यादा फोकस अपने साइनस पे ही करते हैं। ये अपने क्या है साइनस का लेटरल, सॉरी, पीए व्यू और लेटरल व्यू हो गया। तो एक बार अपने पीए व्यू का रिविजन कर लेते हैं। पेशेंट के पीए व्यू की पोजिशन क्या रहेगी, पेशेंट टेबल पे प्रोन लेटेगा, उसका मिडल सेजाइटल प्लेन पेशेंट का टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा, और अपने पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन को टेबल से 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, जिसमें अपने पेशेंट के चिन कैसेट के टच में रहेगी, या चिन और टिप ऑफ नोज कैसेट के टच में रहेगा। फिर पेशेंट के दोनों ईयर पिन्ना टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। अगर पेशेंट क्या है हेड को हिला रहा है, इमोबिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो इमोबिलाइज करने के लिए अपने क्या करेंगे, नॉन रेडियोपेक पैड्स या सैंड बैग का यूज करेंगे। सेंटरिंग, सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग कहाँ करेंगे, अपने एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेन से 1 इंच ऊपर की तरफ अपनी सेंटरिंग हो जाएगी। और रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को क्या दिखाई देगा, देखो इसमें अपने क्या है इथमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, ये आगे के पार्ट में आ जाए तो अपने को दोनों साइड में क्लियर सीन होंगे। ये देखो इसमें फ्रंटल साइनस अपने को यहाँ सीन हो रहे हैं ऑर्बिट्स के ऊपर, नेजल सेप्टम के दोनों ओर। इसके बाद इथमोइड साइनस, इथमोइड साइनस दिखाई दे रहे हैं। फिर
फिर अपना ये नेजल सेप्टम आ गया, ठीक है, फिर ये मेक्सिलरी साइनस अपने को दिखाई दे रहे हैं। मेक्सिलरी साइनस कहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो अपना ये पेक्टोरस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन है, इसके जस्ट आगे के पार्ट में। ये अपनी जाइगोमेटिक आर्च आ गया, ये मैंडिबल बोन आ गई, ये अपने उक्लिलेशन होता है। अपने पीए व्यू यानी ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू में क्या है, वाटर्स व्यू है, तो इसमें अपने क्या है, पेशेंट का माउथ ओपन करवाते हैं। तो इसमें देखो पेशेंट का माउथ अपने को ओपन दिखाई दे रहा है, दोनों टीथ एक दूसरे के दूर दूर है, मैक्सिला बोन और मैंडिबल बोन अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये हो गया अपना पैरानेजल साइनस के लिए वाटर्स व्यू, पीए व्यू। इसके बाद अपने बात करते हैं लेटरल व्यू की। लेटरल व्यू में क्या करेंगे, पेशेंट को अपने बिठा के भी व्यू ले सकते हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल अपना कौन सा रहता है, प्रोन पोजिशन में व्यू लेना। तो अपने पहले पेशेंट को प्रोन पोजिशन में लेटाएंगे, उसके फेस को आइदर साइड रोटेट करेंगे, लेफ्ट या राइट साइड में, ताकि उसकी जो अफेक्टेड साइड है वो कैसेट के टच में आ जाए। उसके बाद अपने क्या करेंगे, पेशेंट का मिडल सेरेब्रल कॉर्टेक्स टेबल से पैरेलल हो जाएगा, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल से परपेंडिकुलर हो जाएगी और ऑर्बिटोमेटल लाइन टेबल के पैरेलल रहेगी। अगर पेशेंट हेड को हिला रहा है तो अपने सैंड बैग से इमोबिलाइज कर सकते हैं। और क्या रहेगा अपना, इसकी सेंटरिंग, सेंटरिंग की बात करें तो ये जो अपना आउटर कैंथस दिखाई दे रहा है, इससे 1 इंच अपने पीछे की तरफ करते हैं। तो ये अपनी सेंटरिंग हो गई। सेंटरिंग करने के बाद रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस अपने को इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखो रेडियोलॉजिकल इमेज दिखाई गई है, इसमें अपने को क्या फ्रंटल साइनस कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑर्बिट्स के जस्ट ऊपर, और इथमोइड साइनस कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑर्बिट्स के जस्ट पीछे। मैक्सिलरी साइनस ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑर्बिट्स के जस्ट नीचे। और जो अपना स्फेनोइड साइनस है, ये जो पेक्टोरस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन आ रहा है, इसके पास में अपने को स्फेनोइड साइनस दिखाई देता है। तो ये अपने चारों साइनस हो गए, ये क्या दोनों साइड होते हैं, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी करेंगे। तो ये अपना क्या है, इसका लेटरल व्यू और पीए व्यू हो गया। आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।